ज बश्रा खान वेलकम टू समस्टर स्पोर्ट्स जर्नलिस्टर्स दो रोज कबल पी सी बी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के नेशनल टीम के हवाले से जो सर्जरी डेवलपमेंट चेंजेस की बात की है कप्तान की तब्दीली हो या ना हो इस हवाले से और डोमेस्टिक स्ट्रक्चरल सिस्टम की चेंजेस के हवाले से जो बात की वो आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चले पाकिस्तान नेशनल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्चन और उसके साथ साथ सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने जो रिपोर्ट पेश की है वर्ल्ड कप के बाद कि सुपर रेट तक क्यों नहीं पहुंच सकी पाकिस्तान की टीम में क्या फ़्लॉज थे क्या इश्यूज थे क्या वजूहत थी परफॉर्मेंस इतनी नाकिस क्यों रही इस हवाले से भी जानेंगे लेकिन आपको ये बताते चलूँ कि रिपोर्ट पिछले हफ्ते जमा करवाई गई है पी में और अभी कप्तान की रिपोर्ट बाकी है तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है इतनी नाक़ परफॉर्मेंस क्यों रही क्रिकेट टीम की और इस हवाले से जो रिपोर्ट तैयार होकर पेश हुई है उसमें क्या क्या रिटर्न स्टेटमेंट्स पेश की गई है असल वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं सर आप, आप सुनाए ठीक है अल्लाह का शुक्र थैंक यू मुझे ये बताया जब हम बात करते हैं सबसे पहले रिपोर्ट की जो कि वहाँ प्रयास और गैरी क्रिस्चन ने पिछले हफ्ते पीसीबी में जमा करवाई है वर्ल्ड कप में होने वाली परफॉर्मेंस उनकी जो नाकद परफॉर्मेंस थी सबके सामने ये सुपर एट तक नहीं जा सकी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रिपोर्ट में क्या क्या पेश किया गया क्या फ्लोज़ बताए गए हैं क्या वजूहत थी परफॉर्मेंस क्यों नहीं बेहतरीन थी अच्छा मुश्रा सबसे पहले ये लोगों को हम बताएं कि जो ये रिपोर्ट होती है ना ये कोई नई नहीं, नहीं है या आपकी चाहे जो होम सीरीज़ हो या अवे सीरीज़ हो इंटरनेशनल सीरीज़ कोई भी हो या इंटरनेशनल टूर्नामेंट कोई भी हो जब वो कंक्लूड होता है जब वो समप होता है उसकी समरी जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो तीनों हेड कोच जो हैं टीम मैनेजर हैं और कप्तान हैं right. ये बोर्ड में जमा करवाते हैं ये चेयरमैन को भिजवाते हैं और चेयरमैन इसकी जो सिफारशत होती हैं जो चीज़ें देख रहे होते हैं इस रिपोर्ट को मद्देनजर रख कर आगे फैसले किए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी भी इस रिपोर्ट को देख कर आगे की सिलेक्शन देखती है लोगों की परफॉर्मेंस देखती है लड़कों की और तमाम तरह चीज़ें देखती है hmm. ये पहले क्लियर करते हैं अच्छा वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर हैं सबसे पहले उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई डायरेक्टर इंटरनेशनल को हैंड ओवर की उस्मान वाला को और उन्होंने रिपोर्ट में जो जमा करवाई उन्होंने रवायती रिपोर्ट थी वो जमा करवाई उन्होंने क्रिकेटर्स को खास तौर पर सपोर्ट किया उनको बैक किया दिखाई उस रिपोर्ट में जो दिखाई देता है अलबत् उन्होंने डोमेस्टिक के हवाले से भी तजावीज़ दी उस रिपोर्ट में कि उसको ग्रास रूट लेवल में भी हमें काम करने की ज़रूरत है कोचिस जो है वो आ, कोचिंग खास तौर पर ज़्यादा करनी चाहिए प्लेयर्स की और इनका कैंप लगाना चाहिए ज़्यादा प्लस माइनस करने की बात हुई देखिए उस रिपोर्ट में अभी फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है जो वहाब रियाज की रिपोर्ट है उसमें ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया उसमें उन्होंने कहा जी गेम प्लान के मुताबिक ग्राउंड में अमल दरामद नहीं किया गया ये रिपोर्ट में उन्होंने ट्रेनिंग के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की हाँ ट्रेनिंग के हवाले से ट्रेनिंग के हवाले से उन्होंने कहा जी पाकिस्तान टीम में टैलेंट है इस इसमें तो के मुताबिक रिजल्ट नहीं है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंप्स हैं इनकी ट्रेनिंग्स हैं वो होनी चाहिए वो वो एक रवायती सा जुमला है कि आपने सेव करने के लिए खासतौर पर इस तरह की रिपोर्ट लेकिन टी, सीनियर टीम मैनेजर थे उन्होंने करीब से देखी चीज़ें और उन्होंने कहा जी ग्रास रूट लेवल और डोमेस्टिक क्रिकेट में आ, काम करने की ज़रूरत है उसको हमें ज़्यादा काम करना चाहिए वहाँ पर फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी आ, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा जो इस रिपोर्ट में, में मेंशन किया कि डोमेस्टिक खेलना चाहिए और कॉमे टीम में नजमो जब्त की कमी नजर आई है मतलब डिसिप्लिन की कमी नजर आई है जो कि हमें इधर दूर बैठे भी हम लोग वहां पर मैचेस भी कवर कर रहे थे यूएसए में तो वहां पर भी हमें नजर आता था कि ग्राउंड में जो कॉन्फिडेंस है नजर आ रहा है आपस में एतम की कमी नजर आ रही है जो सारे प्लेयर्स थे इवन बाबर आजम जो थे वो अगर फाइनल पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे होते थे एज ए कप्तान तो उनको आपको मिड ऑफ में फील्डिंग करनी चाहिए थी या मेडॉन में फील्डिंग करनी चाहिए थी एज ए कैप्टन हमें जो बाकी कप्तान नज़र आते हैं वो बुहर तो एक नज़र आते हैं ग्राउंड में लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो प्लेयर थे वो जिस तरह जेल इन थी दो तक टीम उस तरह की हमें टीम ना 2023 में नज़र आई 2024 में जो अभी हुआ वर्ल्ड कप उसमें भी नजर नहीं आई हर मैच के बाद पेश की जाती है और कहीं ना कहीं उस पे यही बातें की गई होगी पिछली रिपोर्ट में भी जब हम पिछले साल खेल कर वापस आए थे हार कर वापस आए थे हार कर वापस आए थे फिर उसके साथ बाबर ही बाबर आजम को हटा दिया गया था और आपके जो कप्तान था शाइन अफरीदी उनको बनाया गया था फिर उसके बाद जब चेंज होती हैं यहाँ पर अनफॉर्चूनेटली जैसे ही कोई बोर्ड में चेंज होती हैं चीजें लेकिन आ, अच्छी बात यह है कि इस मरतबा वो रवायती जिस तरह चेयरमैन करते आए हैं उखाड़ पिछाड़ और सारी चीज़ें गुस्से में फैसले लेना उस तरह का सीन नहीं है अच्छा ये तो वहाब रियाज की रिपोर्ट थी जो कॉन्फिडेंशल रिपोर्ट जमा करवाई है गैरी क्रिस्टन, क्रिस्टन ने उन्होंने आ, उनके चंद रोज के बाद अपनी रिपोर्ट जमा करवाई उन्होंने रिपोर्ट्स जो है मोहसिन नकवी को और और सबक क्रिकेटर्स उनकी रिपोर्ट पर ख़ास तौर पर मुशावरत करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना वो बड़ा रिलाई करते हैं गैरी के ऊपर तो उनकी उनकी मुशावरत से जो है वो आगे फैसले भी लिखे जाएंगे उन्होंने तफसीली रिपोर्ट लिखी है मतलब उन्होंने ये वहाब रियाज की तरह कंक्लूड उसमें समअप नहीं किया छोटे अल्फाज में लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें बताया है कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था वो क्या था कौन सा प्लेयर किसके साथ बोल चाल नहीं रख रहा था और क्या उसने ऑब्जर्व किया उसने जो गैरी ने जब आयरलैंड के खिलाफ मैच था देखिए आयरलैंड के खिलाफ जब मैच था ना तो उस वक्त गैरी क्रिस्टन ने पोस्ट मैच ड्रेसिंग रूम में जो गुफ्तू की थी वो हमने एक्सक्लूसिव हमने दी थी अपने समा पर उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने दुनिया की पहली टीम देखी है जो आपस में जलिन नहीं है इतफाक़ नहीं है लोग जो हैं वो आपस में जो है वो फटे हुए हैं एक, एक प्लेयर उधर जा रहा है दूसरा उधर जा रहा है किसी की जो है वो कॉन्फिडेंस उसको नहीं है प्लेयर के ऊपर गेम प्लान जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा अंदर ग्राउंड में कोई भी किसी कप्तान की बात नहीं मान रहा कप्तान के साथ सबको नाराजगी है यहाँ पर कप्तानी के मामलात हैं तो ये एक बड़ी जिसे कहते हैं ना कि हमें है। बिल्कुल है और ये देखे बड़ी शर्मिंदगी की बात खेल रहे ये शर्मिंदगी की बात है ये अब गैरी क्रिस्टन जो है वो उस, उस जैसा जो कोच है वो अगर किसी दुनिया की दीगर टीम्स में जाता है वहाँ पर जाकर बताता है कि जी पाकिस्तान में तो ये माहौल था तो आपके पाकिस्तान की नाकामी है आपकी नाकामी नहीं है आप लोग पाकिस्तान की टीम से खेलते हो तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप आप लोग अपनी इंडिविजुअल जो आप, आप, आप देखें रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में सिंगल हैंडेडली रन किए है। विराट नहीं चल रहा था मैच में फाइनल में वो चला रोहित नहीं चला ठीक है रोहित शर्मा कुछ ऐसे भी हिंसों के करीब पहुंच गए थे कि वो अपने चंद रन बनाते और सेंचुरी बना लेते लेकिन वो अपनी टीम का सोचते हैं ना उनके अंदर भी इख्त थे रोहित विराट और हार्दिक पांड्या इंडिया का सोच देखिए मैं मैं आपको लिए ये लिए बताने लगा मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या जो कप्तान है रोहित शर्मा की उस तरह परफॉर्मेंस नहीं रही अब रोहित शर्मा और विराट कोहली उनके अंदर भी इख्तलाफ होंगे नाम को लेकर कि मेरा नाम बड़ा है उनका जेलसी होती है ये इंसान की फितरत है अच्छा वो ओपनर है उनकी जगह चेंज की विराट की अब विराट जो थे वो मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे तो क्या रोहित शर्मा यहाँ पर अगर विराट कोहली पाकिस्तानी नेशनल होता तो क्या हम ये बेयर करते हम लोग तो बाबर आजम को नहीं छोड़ते क्या हम विराट कोहली को ना कहते कि इसको बाहर निकालो जी ये परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा उसने उसके ऊपर एतमाद किया और उसने फाइनल तक उसको उसी पोजीशन पर खिलाया और वो एंड पर रनस करके गया तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं आप विराट की पहले, पहले एग्जाम्पल देख लें तीन साल उसने परफॉर्मेंस नहीं दी तीन साल परफॉर्मेंस नहीं दी तो क्या बी ने उसको बाहर निकाल दिया नहीं निकाला उसको चांसेस दिए

उनको एक-एक चीज का पता होता है कि कौन सा प्लेयर का क्या कहला लेकिन क्रिकेटर्स के आपस में भी जो माहौल है लेकिन अनफॉर्चूनेटली यहाँ पर जो हमारे लेजेंड्स है ना जो সাবেক ক্রিকেটারস है जो সাবেক ক্রিকেটারস है उनकी एक मेंटालिटी है कि हमारे से ऊपर कोई ना जाए तो फिर बंद कर ये पाकिस्तान की क्रिकेट जैसे चलती आ रही थी वैसे ही चलनी थी लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई है कि जिस तरह हमें आ, मतलब जो क्या सराइयाँ चल रही थीं मुख्तलिफ ख़बरें चल रही थी और झूठ पर मबनी खबरें थीं और प्लांटेड टेंटेड खबरें थी जो मोहसिन नकवी ने आ, हमें दो दो रोज़ कबल बुलाया और उन्होंने गैर रस्मी हमारे से गुफ्तू की उस गुफ्तु में हमें आ, आ, जो है उसमें बड़ी डिटेल उन्होंने बताई एक एक चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की जो सर्जरी के हवाले से बातें होती थी जो उन्होंने की थी सर्जरी के हवाले से कि हम जो है वो कौमी टीम में ख़राब परफॉर्मेंस से है सर्जरी होगी जिसमें शाह अफरीदी ने कहा जी कोई बीमार है जिसकी सर्जरी होगी फिर रिजवान ने उसको कहा जी सर्जरी होनी चाहिए अच्छा फिर उसके बाद जब मोहसिन नकवी साहब ने हमें कहा कि उन्होंने कहा जी कौमी क्रिकेट टीम की जो सर्जरी है ना वो होगी लेकिन जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए फैसले जो होते हैं ना वो अक्सर जो है Please वो नुकसान पहुंचाते हैं ठीक है उन्होंने कहा हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उन्होंने वर्ल्ड कप में कारदगी से तफसीली तौर पर बताया उसको देख कर हम फैसले करेंगे कि आगे हमने कौन सी टीम लेके जानी है कप्तान चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए थीक, थीक, बाबर आजम से मुझे उन्होंने कहा अभी, अभी, ये हाँ, अभी, अभी, अभी बाबर आजम को हटाने का डिसीजन नहीं, नहीं हुआ, हुआ। ये जो लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को हटा दिया जाएगा देखे नहीं देखे नहीं ये ये अभी हम नहीं कह सकते हो सकता है कि बाबर आजम कप्तान ना हो लेकिन हो सकता है उनके साथ ही देखिए मैं आपको कह रहा हूँ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ तो शान मसूद है। बाबर और टी ट्वेंटी के ना तो उसमें अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी पे जाते हैं तो बाबर आजम को हो सकता है कप्तान होंगे अभी चूके व्हाइट बॉल सीरीज आपकी देखें बहुत लेट है आपकी नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ ठीक है ऑस्ट्रेलिया के साथ नवंबर में अक्टूबर में उससे पहले जगह कौन हो सकता है अभी ये कहना कुछ भी कबल वक्त है शान मसूद भी हो सकते हैं फखर जमान भी हो सकते हैं देखिए ये दो ऐसे प्लेयर हैं इसके अलावा कोई नहीं ये दो ऐसे प्लेयर हैं इसके अलावा का नहीं सोचा नहीं सोचा इन्होंने अभी अभी बेसिकली ना ये चल रहा है कि जो लोग जो मतलब जो कॉन्ट्रोवर्सीज में आ चुके हैं जिनकी वजह से टीम के माहौल खराब हो चुके हैं उनको हम मौका नहीं दे रहे ठीक है और ख़ास तौर पर ये जो है वो सोचा जा रहा है कि आप पाकिस्तान टीम को बेहतर कैसे बनाया जाए और पाकिस्तान टीम में ये ग्रुपिंग जो है ख़ास तौर पर सियासत जो है उसको कैसे ख़त्म किया जा सके देखिए ये चीज़ बड़ी हमेशा आप जिस अदारे में चले जाएँ जहाँ पर आपकी मैनेजमेंट में आपके अंदर सियासत शुरू हो जाएगी वहां पर अदारा तबाह हो जाएगा वहां पर टीम तबाह हो जाएगी आप पिछले दौर में चले जब पहली बार तो नहीं हो रही ना ये पहले मरतबा नहीं हो रही हो चुकी है ये लेट ट्वेंटी में भी हो चुकी है जो अर्ली मतलब 2010 हजार दस सात आठ नौ छः पांच इस तरह में चलती रही है आपको हमने भी उनको रिक्वेस्ट की है एक चीज हमने भी पूछ रहा उनको रिक्वेस्ट की है कि आप लोग जो कल्पोरेट है ना जिन्होंने ये ग्रुपिंग अंदर शुरू की और आपको पता लग गया कि इन्होंने ग्रुपिंग की है आप उनको तमाम लोगों के सामने लाएं और उनको बैन करें ताकि उनकी मिसाल बने आगे आने वाले क्रिकेटर्स के तौर पर कि वो आइंदा आने वाले जो क्रिकेटर्स हों वो कौमी टीम में कभी ग्रुपिंग ना करें कभी सियासत ना करें अपनी गेम से मतलब रखें यहाँ पर जो है वो लालच होता है कप्तानी का हर बंदा कप्तान बनना चाहता है कप्तानी का मुझे नहीं समझ आती कि लालच क्या है या तो इनको एड्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं इनकी प्रमोशन ज्यादा होती है सोशल मीडिया पे इनकी हाइप बन जाती है और इस वजह से देखिए शान मसूद एक ऐसा प्लेयर है जो अपने काम से काम रखता है मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा लेकिन जो है फैक्ट वो अब मैन कर रहा अभी तो परफॉर्मेंस बताएगी ना हमें वो परफॉर्मेंस बिल्कुल बताएगी और अभी जो टेस्ट सीरीज होने वाली है एक्जैक्टली एग्जैक्टली लेकिन हमारे क्रिकेटर्स की दुनिया यहाँ पर सोशल मीडिया जो है ना वो हाइप देखती है exactly, कि सोशल मीडिया क्या कह रहा है अच्छा सबसे बड़ी तो जो बात ना, ना जो है ना मुझे जो मोहसिन नकवी साहब की जो अच्छी बात लगी है उन्होंने कहा है, जी ना कभी ट्वीट देख कर फैसले करता हूँ ठीक है तो ना करूँगा हमारे गुजश्ता मदरत के साथ जो चेयरमैन गुजरे हैं इवन जका अशरफ नजम सेठी रमीज राजा इस दौर के जो चेयरमैन गुजरे हैं बहुत अच्छा काम किया उन्होंने नो डाउट लेकिन अक्सर फैसले हम लोग उनको कहते रहे हैं कि अक्सर फैसले अक्सर फैसले जो है वो नॉन प्रोफेशनल तौर पर सोशल मीडिया को देखकर करते रहे नहीं, ये तो आप सिलेक्शन जो है, है अगर आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई है एक चीफ सिलेक्टर बिठाया है तो आप उनको कहें कि आपको पूरा हक है हाँ आप किसी का हक ना मारें किसी के साथ नाजायज ना करें हम लोग अक्सर ये करते हैं कि सिलेक्शन कमेटी अगर किसी का हक मारती है तो हम उनको बताते हैं हम उनको एहसास दिलाते हैं कि ये प्लेयर है भाई इसने तीन साल परफॉर्मेंस दी है दस हजार रन किए हैं डोमेस्टिक में आपने इनको क्यों इग्नोर किया है? ठीक इसकी, है इसकी इसको हम हाईलाइट करते हैं अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज का एजेंडा चलाते हैं सोशल मीडिया पे कि ये हमारा प्लेयर आना चाहिए ठीक अब वो क्या होता है ये लाहौर कराची की ना बड़ी बहस है प्लेयर्स की अब तो चूंकि पख्तून डोमिनेट हैं पाकिस्तान टीम में माशाल्लाह अच्छी बात है कि किसी और ने भी जो है वो अंदर एंट्री मारी है वरना हमेशा से यही कहा जाता था कि लाहौर कराची की टीमें अंदर आ रही हैं जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उसको इख्तियार होना चाहिए ट्वीट्स का जो उन्होंने कहा है ना ये बड़ी अच्छी मुझे एक चीज़ लगी है उन्होंने कहा जी ना ना पीसीबी ट्विटर पे चलता है ना चलने दूंगा ठीक है तो आप देखें पहले जो है वो पीसीबी ट्विटर पे ही चलता था एक्स पे ही चलता था और आ, आ, सारे फैसले उसी पर होते थे मतलब अगर किसी ने पाँच छः बंदों ने मिल एक ट्रेंड चला दिया या ट्वीट कर दी है तो वो चेयरमैन को वो करना पड़ना अब वो वो चीजें नहीं होने वाली ये लोग जो हैं वो समझते हैं कि है। करेंगे दिन में मोहसिन नकवी के खिलाफ पीसीबी के खिलाफ अगर आप फैसले कहा बताएं जब हम बात करते हैं कप्तान की रिपोर्ट की आपको क्या अंदाजा है आपको क्या लगता है अंदर सारी चीजें देखिए वो अपने ऊपर तो नहीं लेंगे कब तक आ सकती है मैक्सिमम वो अपने ऊपर तो नहीं लेंगे या मैं अगर कोई करूंगा आ, कोई चीज तो मैं अपने ऊपर ब्लेम थोड़ी लूंगा तो यानी कि अभी टाइम है कप्तान की रिपोर्ट पीसीबी में जमा मोस्ट uh, प्रॉब्बली आ जाएगी जल्दी एक एक डेढ़ हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट आएगी और कुछ। कुछ। मुझे लगता है कि बाबर आजम उसमें खुल के बताएंगे कि क्या हुआ चले सी वो जब रिपोर्ट क्योंकि उनको अपना खतरा है इस टाइम पे वो कप्तानी नहीं छोड़ना चाहते ये भी मैं आपको बता दूं

इस हवाले से अच्छा जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ है हमारी दो टेस्ट पर मुश्तम है उसमें कराची और रावलपिंडी जो है वेन्यूज़ को रखा गया लाहौर में पहले था और उसकी चूँकि लाहौर के स्टेडियम की अपग्रेडेशन चल रही है इस हवाले से उधर अब मैचेस मुंतकिल किए गए हैं इंग्लैंड को अब मुल्तान पहले दिया गया मैच तो वो कंडीशंस को देखकर किया जा रहा है जहाँ पाकिस्तान को सूटेबल लगा कि हमें यहां से आगाज़ करना चाहिए और यहां पर रखना चाहिए बांग्लादेश के ख़िलाफ़ तो उन्होंने पहले तो वेन्यू डिसाइड कर लिया अब चूँकि सिलेक्शन कमेटी है ही नहीं अभी सिलेक्शन कमेटी का सवाल हुआ था मोसिन नकवी साहब से उन्होंने कहा जी सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फ़ैसले किए हैं उसका एहत होगा और उसको फारग भी किया जाएगा मतलब उसको उसको जो है वो एहतसाब का, मतलब का मतलब यही है एहतान का मतलब यही अच्छा नई सिलेक्शन कमेटी में सबक चार पाँच क्रिकेटर्स आ रहे हैं और वो जो है वो फैसले करेंगे हेड कोच के साथ उनको भी बुला लिया है गैरी को भी अजहर महमूद को भी और जैसन ग्लैस भी जो रेड बॉल के कोच हैं तो वो भी आएंगे और उनके साथ बैठ कर मुशावरती जा रही है कि बाबर आजम का क्या करना है फिर आपकी कौमी टीम का क्या करना है कहा यह जा रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पोस्टमार्टम होगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने तीन साल का रखा था लेकिन तीन साल में अब उन्होंने एक शिक भी रखी थी कि हर साल उसको उसकी कारकरी देख कर उसको रीन्यू किया जाएगा किसी भी प्लेयर को एग्जैक्टली exactly. तो अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी होना है नया जारी रिन्यू होना है तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अभी वो देख रहे हैं सारी चीजें प्लेयर्स की कारकरी और इन्होंने डिमोट भी करने हैं प्लेयर्स को जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स हैं एग्जैक्टली exactly. और उनको खास तौर पर नीचे लेके आएंगे जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है और उनको ए कैटेगरी दी हुई है तो ये चीजें अब होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट में देखें इंशाल्लाह एग्जैक्टली मैं बिल्कुल होपफुल कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने जो बातें की हैं अगर वो उस पर इम्प्लीमेंट करते करेंगे जो कि पहले दिखाई दिया है जब वो वज़र अल भी थे उन्होंने जो बातें की जब निगरान वजी अल थे उन्होंने वो बातें इंप्लीमेंट की थी और अगर वो ये बातें इंप्लीमेंट होती हैं इन तो आपका पाकिस्तान क्रिकेट एक पाथवे पर चले जाएगा और बाकायदा तौर पर उस पे उस पे अगर चलता रहा तो पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह नंबर वन दोबारा बनेगी टी ट्वेंटी में no कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है बिल्कुल, कोई बिल्कुल, भी चीज नामुमकिन नहीं है सरफराज ने जब आपकी टी ट्वेंटी टीम को उठाया हाँ। था ना तो वही इसी इससे बुरी चीज इससे बुरी जगह पे थी बिल्कुल जो आज है सरफराज अहमद ने उठाया लिफ्टअप किया आपको नंबर वन बनाया

जो लोग प्लेयर्स को तंग करते हैं ना बाहर भी और इधर भी right. जो प्लेयर्स के ऊपर आवाजें लगाते हैं तंग करते हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं सोशल मीडिया पे राइट नो 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 फिजिकली भी लाइव जो स्टेडियम के बाहर भी इवन प्लेयर जा रहे हैं जिस तरह हारिस रोफ के साथ बदतमीजी हुई है और वहां पर जो बदतमीजी हुई है उस पर मोहसिन नकवी काफी सख्त एक्शन ले रहे हैं और एफ उन्होंने उनके पीछे लगा दी है एफ ने एफ आई एफ आई उनके पीछे लग लगी एग्जैक्टली जो इस तरह की हरकत वो एफ लगेगी और वो उन्होंने उसके बारे में कहा है जो हारिस रोफ को तंग कर रहे थे दावत देते हैं वो पाकिस्तान आए आई .E. उनका उनका करेगी जैसे कि हम सब जानते हैं कि पीसीबी चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी हैं सो ऑब्वियसली उनके एक कॉल पर एक पे ए .E. जो है वो जरूर इन्वेस्टिगेट करेगी की आखिर वो कौन था जिसने अनरीजनेबल एक्ट किया थैंक यू यू हैव एनी कमेंट्स और एनी फीडबैक प्लीज लेट नो इन सेक्शन बिलो डाउन टिले टी बाय